चार घंटे से यहाँ तो कोई प्रशासन आया है, ना एसडीएम साहब आए हैं, ना डीएम साहब आए हैं, कोई यहाँ सुध लेने वाला नहीं है। यहाँ मोहल्लेवासी इतने परेशान है कि छोटे छोटे बच्चों के साथ आए दिन हादसा हो रहा है। यहाँ प्रशासन भ्रष्ट हो गया, प्रशासन कोई सुधर नहीं चाहता है, प्रशासन लेके सो रहा है केवल बस। यहाँ पूरी तहसील भ्रष्ट है राठ की, स्कूल की बहन खड़ी कर लो बीच में। जहाँ खचाड़ा हो वही लगा देंगे, लगा क्यों देखो जहाँ गाड़ी को ये देखिए किस तरीके से वाहन पलट रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा कि गड्ढे में सड़क है, सड़क में गड्ढा है। दरअसल मेन बात तो ये है कि भारी वाहन वाली रास्ता ही नहीं है। किस तरीके से बालू खनन हो रहा है, हमें तो केवल कौन से गांव के हो तुम? मलवा गांव के। अच्छा, मलवा के हो। कहाँ? मेरे पोते का एक दिन एक्सीडेंट हुआ तो रोड पे, तो जिसको नोटा के सिर में पीछे आया। अच्छा, कैसे गिर गए वो? अरे साइकिल लेके आ रहा था, एक वाहन भैन वाले का क्रॉस, इतने गड्ढे हैं कि उस वजह से वो बच्चा एक्सीडेंट खराब होने की वजह से एक्सीडेंट हो गया, गिर गया। अच्छा, ओवरलोडिंग की वजह से परेशान है बच्चे, स्कूल जा पाते आए दिन हादसा होता है। क्या मांग करते हैं आप सरकार से, क्या मांग करते हैं आप? कार्रवाई करें, जायजा करवा के उसको चुस्त दुरुस्त कराए।